क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी से महाराष्ट्र में बात बन पाएगी? प्रधानमंत्री जी इतने पावरफुल नेता, उन्होंने माफी मांगी तो शोभा तो देती है और वो मामले को डिफ्लेक्ट करने में भी उससे फायदा मिलेगा, ये तो इसके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। शर्मनाक घटना थी, इतना भारी खर्च करके वो मूर्ति प्रतिमा गिर जाए और वो इस प्रकार से ध्वस्त हो जाए कि उसका नट बोल्ट सब गिर जाए, तो इसके लिए माफी तो मांगना बनता ही था। एक मॉरल प्रेशर बनाने की भी कोशिश की गई है LOP के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन ये दोनों मसले अलग हैं। BJP के खिलाफ बड़ा मुद्दा बन सकता है तो उस पर थोड़ी सी उसकी हवा निकालो कि सावरकर जी को लाके खड़ा कर दो कि हम तो माफी मांग रहे हैं लेकिन जो सावरकर की बेइज्जती करते हैं वो माफी नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी की राजनीति में चूंकि वो सारी नब्ज पहचानते हैं, वो जानते हैं कि ये मुद्दा हो सकता है इतना बड़ा मुद्दा बन जाता कि चुनाव में भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती, तो उन्होंने बिना देर किए पालघर में सभा के दौरान माफी मांग करके इस मुद्दे को ठंडा करने की पूरी कोशिश की। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। 26 अगस्त को महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद उस पर जिस तरीके से राजनीति शुरू हुई, विपक्ष ने वहां की शिंदे सरकार को घेरना शुरू किया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना शुरू किया, क्योंकि 8 महीने पहले मूर्ति का अनावरण करने, उद्घाटन करने वो खुद वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद एक पूरी राजनीतिक सीरीज शुरू हो गई, सबने एक दूसरे पर तमाम बातें करना शुरू कर दी, लेकिन कल महाराष्ट्र के पालघर जिले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने इस पूरी घटना पर सर झुकाकर माफी मांगी। माफी मांगने के साथ ही उन्होंने एक तरीके से पूरे जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको ही बदल दिया, क्योंकि उस माफ़ी के बाद उन्होंने जिक्र किया कि हमारी एक अलग सोच है, हम कोई गलती होती है तो माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत माता के वीर सपूत, उन्होंने सावरकर का जिक्र किया कि उनको गालियां देते रहते हैं लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगते, अदालत तक जाने को तैयार हैं। तो क्या ये निशाना राहुल गांधी के ऊपर था, एक, और दूसरा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफ़ी से महाराष्ट्र में बात बन पाएगी और NDA में, खास करके महायुति में जो खुद अलग अलग लड़ाई चल रही है, वो चाहे अजीत पवार की NCP की हो, चाहे शिंदे गुट की हो, क्या उसको BJP संभाल पाएगी इस माफी के बाद, और जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था उस पर लगाम लगेगी। सभी वर्ग खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, रामकृपाल सर, पूर्णिमा जी, सब्जवारी साहब, अवधेश जी और विनोद सर हमारे साथ मौजूद है। विनोद सर, सबसे बड़ा सवाल अभी है, ये माफ़ी को लेकर पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा था, अजीत पवार माफ़ी मांगते हैं, शिंदे माफ़ी मांग लेते हैं, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन एक पूरे मुद्दे को वो अलग दिशा भी दे देते हैं, सावरकर बीच में चर्चा में आ जाते हैं, मतलब कैसे देखें इस पॉलिटिकल सिनेरियो को, माफ़ी मांगकर अलग दिशा और गेंद दूसरे पाले में। देखिए, शिवाजी महाराज जो है भारत में और ख़ासकर महाराष्ट्र में, वो उनका एक बहुत बड़ा स्थान है हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, हमारे लोकमानस में, और महाराष्ट्र में तो चूँकि महाराष्ट्र के ही थे तो सबसे ज़्यादा है। तो जब शिवाजी की प्रतिमा गिरी तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने और कांग्रेस ने, वहाँ विपक्ष ने, जो विकास आघाड़ी, उसने इसको मुद्दा बनाया, क्योंकि एक साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उस प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी का माफ़ी मांगना भी बनता इसलिए था कि अनावरण भी उन्होंने किया था। और प्रधानमंत्री जी की राजनीति में चूँकि वो सारी नब्ज पहचानते हैं, वो जानते हैं कि ये मुद्दा हो सकता है इतना बड़ा मुद्दा बन जाता कि चुनाव में भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती NDA के लिए, तो उन्होंने बिना देर किए पालघर में सभा के दौरान माफ़ी मांग करके इस मुद्दे को ठंडा करने की पूरी कोशिश की है। और आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की माफ़ी के बाद लोग कहेंगे भी भाई अब क्या कर सकते हैं, प्रतिमा गिर गई, उसको जो पाटिल जो उसके वो थे आर्किटेक्ट, उस प्रतिमा को उनको भी शायद अरेस्ट कर लिया गया, और इसके अलावा क्या हो सकता है, उस पर कार्यवाही होगी। तो एक तरह से मुद्दा तो डाइल्यूट किया है प्रधानमंत्री जी ने, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है। कोई भी बड़ा नेता, जो प्राइम मिनिस्टर हो या केंद्रीय मंत्री हो या किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, वो जब किसी घटना पर अगर माफ़ी मांगते हैं तो इससे उनकी पराजय नहीं मानना चाहिए, इससे मैं इसको मानता हूँ कि ये एक तरह से बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और ऐसी घटनाओं पर, चाहे शिवाजी की मूर्ति गिरी हो, मैं तो कहता हूँ कि जो जिन पर हम चर्चा करते हैं, कोलकाता जैसी घटना या मणिपुर जैसी घटनाओं पर, इन पर भी वहाँ के मुख्यमंत्रियों को क्षमा मांगनी चाहिए कि भाई हमसे चूक हुई है, तो सरकारों को, तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, माफ़ी मांगने से लगता है कि उस आपको अगर गलती का एहसास हुआ है और आपने उसका क्षमा मांग ली है तो इसमें कोई गलत नहीं, नंबर एक। लेकिन दूसरी बात ये ज़रूर है, महत्वपूर्ण है, कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है, क्या अगर चुनाव नहीं होता तो भी क्या माफ़ी मांगी जाती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप याद कीजिए, उज्जैन में जो महाकाल लोक में मूर्तियां गिरी ऋषियों की, उसमें किसी ने माफ़ी नहीं मांगी थी क्योंकि चुनाव दूर थे,
उस समय न शिवराज सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री, उन्होंने माफ़ी मांगी, न बीजेपी किसी नेता ने मांगी, किसी ने नहीं मांगी, मूर्तियाँ वहाँ भी गिरी थी। तो ये जो होता है कि समय के अनुसार देख उसकी संवेदनशीलता लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है महाराष्ट्र में सिर्फ माफ़ी शिवाजी की मूर्ति ही एक मुद्दा नहीं है, वहाँ और भी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव होगा। वहाँ शिवसेना को तोड़े जाने का मुद्दा है, वहाँ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दो तीन गुजरात चले गए महाराष्ट्र से वो मुद्दा है, वहाँ मराठी महाराष्ट्रीयन अस्मिता का मुद्दा है, और बीजेपी और जो शिंदे सरकार है उसने लाडली बहना योजना शुरू की है, उसका कितना असर होता है वो एक मुद्दा है सत्ता पक्ष की तरफ से। तो अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर वो चुनाव होगा, मुझे लगता है ये मुद्दा एक उसमें अतिरिक्त फ्यूल कर सकता था जिसको प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग करके ठंडा कर दिया है, ये माना जा सकता है कि एक मुद्दे को उन्होंने कम से कम ठंडा किया है। सावरकर की जहाँ तक बात है तो सावरकर को उन्होंने जोड़ा, सावरकर महाराष्ट्र में कोई पहली बार चर्चा में नहीं आए, सावरकर लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा में रहे हैं, और कांग्रेस और एनसीपी का एक स्टैंड रहा है और भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का एक स्टैंड था। शिवसेना आज उद्धव ठाकरे वाली जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, इसलिए मुझे लगता है कि सावरकर को उन्होंने भले ये उन्होंने जो निशाना साधा है वो कांग्रेस से ज़्यादा उद्धव ठाकरे पर साधा है, क्योंकि वो सावरकरवादी पार्टी है, वो सावरकर को श्रद्धेय मानती है। कांग्रेस और एनसीपी ने तो हमेशा सावरकर की आलोचना की है, और उसके बाद वो सत्ता में सरकारें भी उनकी बनी हैं, वहाँ पर उनके लोकसभा में एमपीज भी जीत के आए हैं, सब हुआ है, तो उतना सावरकर का चुनाव पर असर नहीं पड़ता, शिवाजी का बहुत बड़ा असर पड़ता। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उस पर एक निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक मुद्दा दिया है कि सावरकर के मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी बराबर उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, खासकर उनकी उन चिट्ठियों को लेकर जो उन्होंने माफ़ी के रूप में अंग्रेज़ों से लिखी गई थी उसको लेकर के, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना को घेरने की कोशिश, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसको घेरने की कोशिश की है। अब उसका जवाब उद्धव ठाकरे कैसे देंगे वो अपना वो जाने वो देंगे, हो सकता है कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त भी की हो, लेकिन शिवाजी वाला जो मुद्दा है मुझे लगता है कि उसको प्रधानमंत्री ने अपनी माफ़ी के जरिए काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया है। ये अहम बात आप कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी और खुद प्रधानमंत्री जब माफ़ी मांग रहे हैं, अध्यक्ष सर प्रधानमंत्री माफ़ी मांग लेते हैं लेकिन वो सावरकर का जिक्र भी छेड़ देते हैं, एक ये तो वो संदेश किसके लिए, क्योंकि सावरकर को लिए, और लास्ट में सवाल ये भी छोड़ जाते हैं कि हमने तो माफ़ी मांग ली, क्या वो माफ़ी मांगेंगे ये। और दूसरा जो बात विनोद सर ने कही कि चुनाव नज़दीक है इसलिए माफ़ी मांगी गई, उदाहरण भी उन्होंने दिया उज्जैन का, अगर चुनाव नज़दीक नहीं होता तो क्या परिस्थिति दूसरी होती, या लगा कि नहीं यही सही कदम है, क्योंकि शिवाजी महाराज की बात करें तो वो पूजनीय माने जाते रहे महाराष्ट्र में भी और देश भर में। देखिए विनोद जी ने जो टिप्पणी की चुनाव नहीं होता उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि विनोद जी से इस प्रकार की टिप्पणी की उम्मीद थी कि अगर एक तरफ थोड़ा प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ न कुछ तो सवाल उठा ही देना है, वो करते हैं तो उसमें मैं पढ़ूंगा तो अपना विषय स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। अरे जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार सिंधु दुर्ग में जाता हो, वहाँ बैठ के ध्यान करता हो शिवाजी के प्रति, वो बोलता वहाँ से हमको शक्ति मिलती है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के बाद पहली यात्रा करके और वहाँ फिर उसी प्रकार से ध्यान लगाता हो कि ये हमारे लिए आदर्श और प्रतिबद्धता है, उसकी शिवाजी की प्रतिबद्धता को लेके कि चुनाव के लिए केवल माफ़ी मांगना हो, चुनाव है तो वो तो एक बड़ा इशू है, तो उनको उसको तो ठंडा करना ही है, तो उस रूप में तो मैं नहीं देख सकता हूं नरेंद्र मोदी और छत्रपति शिवाजी के बारे में। अब दूसरी स्थिति यह है कि ये जब मतलब इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, क्योंकि शिवाजी एक ऐसे विचार के प्रतीक है जो पहली बार मतलब उस मुस्लिम साम्राज्य के अंदर जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके और उन्होंने दिखाया, और छोटे छोटे मतलब जंगलों के लोगों को इकट्ठा करके ये भी नहीं था कि है, और एक आदर्श राज्य स्थापित किया कि हमारे हिंदू साम्राज्य में मुसलमानों को भी उतना ही अधिकार है और हमारे महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रहेंगे, तो वो तो एक आदर्श इस देश के लिए रहा है। लेकिन शिवाजी के साथ इस देश में जो कुछ भी हुआ, जब इंदिरा जी की सरकार थी, राजीव जी की सरकार थी, जो इतिहास लेखन हुआ, तो आप मोटी मोटी किताबें देखेंगे मुगलों पर, जिसमें कि औरंगजेब को तो एक बीएन पांडे, हम भी जाते थे, हमारी बड़े से श्रद्धा थी, तो इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दी कि कैसे कैसे उसने औरंगजेब कितना महान था और कैसे मंदिरों को दिया, लेकिन उसी रूप में कभी आप देख लीजिएगा ICHR बाकी ने शिवाजी को प्रेजेंट नहीं किया, पहला तो ये। दूसरा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने जूता मारो आंदोलन इस पर शुरू करना किया था, घोषणा कर दी थी कि जूता मारो करेंगे।
जब मणिशंकर अय्यर ने 2000 मतलब वो जब जिंदा थे, मुझे लगता है 2007-8 के आसपास की बात होगी, मणिशंकर अय्यर सावरकर जी पर बोला था तो बाला साहेब ठाकरे ने जूता मारो आंदोलन किया था, मुंबई में बजापता उनकी तस्वीर लगी थी, पहला जूता ठाकरे जी ने मारा था, दूसरे बाद में मारे थे। और उद्धव ठाकरे ने 2019 में फिर जब ये बोले थे, ये इन्होंने बयान दिया था मणिशंकर, ये तो कहा था कि मणिशंकर ये को तो जूतों से पीटना चाहिए और राहुल गांधी मूर्ख है, इसको देश के इतिहास का पता ही नहीं है, उसको पहले देश का इतिहास सीखना चाहिए। तो 2019 के तक का एक उनका ये था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद देखिए, शिवाजी को मानने वाले लोग मुसलमानों के प्रति अनुदार नहीं होंगे, लेकिन मुगलों को लेकर के और औरंगजेब को लेकर के, क्योंकि दोनों एक पैरेलल हैं, तो अगर उद्धव ठाकरे की सरकार औरंगजेब की मजार के लिए और वो अगर वो राशि देती है अपनी सरकार के अंदर, या औरंगजेब की एक बार आलोचना करने का साहस नहीं दिखाती है और सावरकर जी के विरोध करने वालों का INDIA में के विरोध करने का साहस नहीं दिखाती है, तो राहुल गांधी जी बोल रहे थे महाराष्ट्र में जाके, वो तो शरद पवार जी ने कहा कि मैंने राहुल जी से बात की है कि महाराष्ट्र में हमारे यहाँ सावरकर जी का बहुत सम्मान है, आप उन पर मत बोलिए, उन्होंने मैनेज किया, उद्धव ठाकरे ने तो नहीं किया। तो उस समय का आज जूता मारो, तो वो तो इसलिए बात करना उस पर जरूरी है कि आपकी प्रतिबद्धता कितनी है। उद्धव ठाकरे ने तो मतलब हिंदुत्व को गोमूत्र तक की संज्ञा दे दी कि देश गोमूत्र से थोड़े आजाद हुआ, ये गोमूत्रवादी हिंदुत्व है। तो जितना कांग्रेस और NCP दोनों जितना सेकुलर है, उससे एक्सट्रीम में जाकर के उनका सेक्युलरिज्म होता है, मुस्लिम वोट के लिए इस समय उनको वोट मिल रहा है। तो जब राजनीति की लड़ाई है तो आपको उत्तर तो दिया जाएगा। एक शर्मनाक घटना थी, इतना भारी खर्च करके वो मूर्ति प्रतिमा गिर जाए और वो इस प्रकार से ध्वस्त हो जाए कि उसका नट बोल्ट सब गिर जाए, तो इसके लिए माफी तो मांगना बनता ही था, वहां की सरकार का भी माफी मांगना बनता था, प्रधानमंत्री का भी बनना था, लेकिन उन्होंने उसके सार्वजनिक रैली करके एक बरप्पन दिखाई है। उसकी जो पॉलिटिक्स है उसमें यह बातें स्पष्ट करना जरूरी है कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है इस समय दिखा रही है, उसका असली चरित्र क्या है INDIA के साथ जाने के बाद, क्या उसने रंगत बदला है और सावरकर जी के प्रति उसका क्या भाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि UPA सरकार में सावरकर जी को कथन जत्थे अंडमान निकोबार से वो सब प्लेट हटा दिए गए थे, ठीक है, प्लेट हटा दिए गए थे, और उस समय क्या शिवसेना का था, ये था। इस ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवसेना ही इसको इतना बार, बाकी ने विरोध किया, लेकिन जूता मारो तो उन्होंने शुरू किया था ना। इस पर प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है उन्होंने बोला है और बोलना भी चाहिए, अपने इस समय नैरेटिव की लड़ाई सारी राजनीति की है, उन्होंने अपना एक नैरेटिव दे दिया है। दरअसल चूंकि जी ने कहा कि विनोद जी ने ऐसा क्यों कहा चुनाव को लेकर के, चुनाव लोकतंत्र में चुनाव के दबाव में भी अगर कोई काम हो तो उसमें गलत क्या है? लोकतंत्र का मतलब ही है, अगर चुनाव के दबाव में कोई नेता, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, अगर वो कोई इस तरह की बात करते हैं जो जनता के हित में है, तो उसमें चुनाव के दबाव में घोषणाएं होती हैं, तमाम तरह से की स्कीमें चलती हैं, तमाम योजनाएं, अभी महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है पालघर में जाके, तो चुनाव का दबाव तो रहता ही लोकतंत्र में, इसलिए उसमें वो मैंने कहा था कि चुनाव की वजह से वो जल्दी वो मतलब हो गया, हो सकता है शायद चुनाव ना होता तो कुछ और तरीका होता उसको करने का, ये मेरा कहने का मतलब। ठीक है सब्जवारी साहब, बड़ा अहम सवाल है, मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि जो बात अवधेश जी कह रहे हैं एक तो वो, दूसरा इसी में मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति महायुति अपने हिसाब से काम करने की कोशिश कर रही है, इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है, अजीत पवार माफ़ी मांग लेते हैं, शिंदे माफ़ी मांग लेते हैं, PM माफ़ी मांग लेते हैं, क्या इससे चीज़ें मैनेज हो पाएंगी? आपस की भी लड़ाई है, अब ये मामला यहाँ ऐसा तो है नहीं कि माफ़ी मांग लेने से ख़त्म हो जाएगा, ज़रूर डायल्यूट हो जाएगा लेकिन ख़त्म तो नहीं होगा, और दूसरा अब जो मोदी जी ने एक नई दिशा दे दी इसको सावरकर का नाम लेकर, वो सामने वालों के लिए भी चुनौती है कि उधर से कौन माफी मांगेगा? देखिए सारा मसला मूर्ति की क्षति से सब उपजा है, और हम सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो शिवाजी का एक स्थान है वो महाराष्ट्र अस्मिता के भी एक आइकॉन माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्ट्रेटेजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है उसका भी इससे अंदाज़ा होता है। मॉरेलिटी तो अपनी जगह है लेकिन स्ट्रेटेजिकल फ्लेक्सिबल होता है कोई आदमी तो उसकी राजनीतिक दृष्टिकोण का भी उससे अंदाज़ा होता है। जो सेंटिमेंट हर्ट हुए थे उस मूर्ति टूटने के बाद, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने उसके उद्घाटन में उनकी शामिल थे, तो वो जो एक सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स मौजूदा हालात के अंदर
पैदा हुई है महाराष्ट्र के अंदर, उन सेंटिमेंट को छूना भी चाहे प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांगकर, ताकि उसका भाव या उस तरह का जो उसकी प्रतिक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो एक नकारात्मक एक भाव पैदा हो रहा है वो डिफ्यूज हो सके। लेकिन मेरी नज़र में ये स्ट्रेटेजिकल फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मैं इसको कहूँगा प्राइम मिनिस्टर की, जो समय समय पर अक्सर देखने को मिलती है, ख़ासतौर से तब जब NDA के घटक दलों से उनका जो एक संवाद है या उनके साथ उनकी जो पोजीशनिंग होनी चाहिए वो किस तरह की है, ये सब उस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है। वही एक मॉरल प्रेशर बनाने की भी कोशिश की गई है LOP के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन ये दोनों मसले अलग हैं। जो LOP पर जो प्रेशर बनाने की कोशिश की है वो एक राजनीतिक लड़ाई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में के, और लेकिन ये मूर्ति टूटना उस वैचारिक दृष्टिकोण से एकदम जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक अलग तरीके की घटना है। तो वीर सावरकर का जो जिक्र करके प्राइम मिनिस्टर अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर जिस विचार से वो आते हैं। तो हालांकि जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रासंगिक है वो शिवाजी की का जो भाव है या उनका जो अस्तित्व है वो राजनीति में ज़्यादा प्रासंगिक है, वीर सावरकर एक वैचारिक दृष्टिकोण से वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी छूना कोशिश किया, लेकिन लार्जर लेवल पर एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। हालांकि दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुदा हैं, ये तो जुदा जरूर है लेकिन राजनीति है और सब अपने अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं। रामकृपाल सर, महाराष्ट्र की राजनीति अलग तरीके से चलती रही है, अलग अलग मुद्दे वहाँ पर होते रहे, ठीक है, राजनेताओं का तौर तरीका वही रहा, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति सामने चुनाव है, PM माफ़ी मांग लेते हैं, महायुति में अपने झगड़े हैं, उधर अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूँ उसमें भी अभी अपनी लड़ाई है, बहुत कुछ होना है, सीट बंटवारा होना है, तमाम चीज़ें होना है, क्या इस माफ़ी से और मोदी के सवाल से ये चीज़ें कहीं संभल पाएंगी, खास करके महायुति में? एक दोहा है शायद रहीम का है या कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो राजनीति जो है एक ऐसी चीज है कि ये आप उठते बैठते सोते जागते आप मान के चलिए कि जो राजनीति में है वो राजनीति में हमेशा रहेगा। मोदी जी ने जो कहा, जो माफ़ी मांगी है, निश्चित तौर पर अगर वो आज प्रधानमंत्री न भी होते, किसी और भी पद पर होते या कोई भी चीज़, जैसे मैं कह रहा हूँ, जो मोदी जी का अगर आप बचपन से प्रोफाइल पढ़ेंगे या BJP की जनसंघ की, तो वहाँ पे तो शिवाजी नो डाउट है कि एक बहुत बहुत ऊंची हैसियत रखते हैं। वैसे भी हम लोग भी जो पूरे देश में जो संघ का नहीं हो या मतलब जो थोड़ा सा हिंदूवादी राष्ट्रवादी नहीं भी हो, उन लोगों ने भी शिवाजी को, आज की तारीख में शिवाजी को सब कहते हैं। तो जो घटना हुई है उस पर तो मोदी जी ने जिस तरह से विनम्रता से माफ़ी मांगी है वो ये नहीं मानना चाहिए वो कोई ओढ़ा हुआ चीज़ थी, वो दिल से निकली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और किसी का भी है जिसने भी दुख जता है। लेकिन जो सावरकर वाली बात उन्होंने कही तो मैंने वही कहा कि देखिए जो राजनीति में है वो उसके मुंह से निकलेगा ही, और कोई भी मौका, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी विरोधी की तारीफ तो नहीं करेगी, जब भी मौका मिलेगा तो चुटकी काटेगी, और जहां भी उसको लगेगा, चूंकि शिवाजी का मामला ये था, मोदी जी अटैक इन एंटीसिपेशन भी कर रहे थे कि इस मुद्दे को वो जानते थे कि ये BJP के खिलाफ बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो उस पर थोड़ी सी उसकी हवा निकालो कि सावरकर जी को लाके खड़ा कर दो कि हम तो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन जो सावरकर की बेइज्जती करते हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। तो एक जगह तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से किया, दूसरी जगह स्ट्रेटजिकली उन्होंने आगे BJP के भविष्य और महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए सावरकर का जो मुद्दा छेड़ा है। तो ये मैं इससे ज्यादा तो मैं और कुछ अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, मैं केवल इतना ही कहूंगा बस। ठीक है पूर्णिमा जी, आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी और फिर सावरकर का जिक्र, शिवसेना पर ठीक है निशाना तो है, लेकिन
निशाना राहुल गांधी पर भी तो है ना कि माफी नहीं मांग रहे हैं, तो क्या माफी मांगेंगे या उनको मांगना चाहिए? मैं दोनों परिस्थितियां समझना चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव जब बात यही हो रही है कि चुनाव को लेकर माफी मांगी जा रही है। तो माफी मांगने से मुझे एक लाइन याद आ रही है, सर हंसेंगे कि आज मैं भी एक लाइन सुना दे रही हूं। वो माफी पर ही है, क्षमा स्रोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विष रहित विनीत सरल हो, जो दंतहीन विष रहित विनीत विनीत सरल हो। तो अब प्रधानमंत्री जी इतने पावरफुल नेता, उन्होंने माफी मांगी तो शोभा तो देती है, और वो मामले को डिफ्लेक्ट करने में भी उससे फायदा मिलेगा, ये तो इसके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो माफी मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने दिल से मांगी होगी, विनम्रता से नहीं मांगी, ये मैं कह सकती हूँ। शायद सर ने सुना नहीं होगा उनका वो भाषण, क्योंकि जिस तरह से उनका चेहरा उस वक्त तमतमाया हुआ था और जिस तरह उनकी आंखों से जैसे लग रहा था कि लपटें निकल रही थी जब वो कह रहे थे कि मैं सर झुका के माफ़ी मांग रहा हूँ, एक सेकंड के लिए भी उन्होंने सर नहीं झुकाया था। तो माफ़ी मांगी, मुँह से जरूर मांगी है, दिल से मांगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगा नहीं कि दिल से माफ़ी मांगी है, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजी जरूर उसके पीछे मुझे ये दिखाई दी कि बीजेपी के पास ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे चुनौतियाँ हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे फ्रंट खुले हुए हैं, और ये लोकसभा इलेक्शन के टाइम में हमने देख लिया कि शिंदे और एनसीपी वाला जो अजीत पवार का गुट ला के उनको फायदा नहीं नुकसान ही ज़्यादा हुआ है, और आपस में इनकी जो लड़ाई अभी चल रही है शिंदे गुट और पवार अजीत पवार गुट की, वो इनको फिर से नुकसान पहुँचाएगी, ये भी उन्हें दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक ये बहुत बड़ा मसला बन जाता अगर इस पर कोई वो प्रतिक्रिया नहीं देते, तो मसला बन जाता। तो तुरंत उन्होंने भांप लिया, और बहुत वो अच्छे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने माफ़ी मांग के उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे ये राजनीति में मुद्दा नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, क्योंकि शिंदे और अजीत पवार ग्रुप ऑलरेडी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अभी कल ही मैंने सुना है किसी शिंदे साइड के किसी मंत्री तानाजी ने कहा है कि इनके बगल में बैठने से मुझे उल्टी आती है। तो अब जब ये एक मानसिकता है, तो वो विधानसभा इलेक्शन आते आते कहाँ तक वो पहुँचेगा उसका कोई भरोसा नहीं है, तो वो फ्रंट ऑलरेडी इनके लिए मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, और नया फ्रंट ना खुलने पाए इसलिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और जहाँ तक सावरकर की बात है, तो सावरकर का जिक्र करके उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी दबाव डाला है, और उद्धव ठाकरे पे तो दबाव डाला ही डाला है। वो एक जक्स्टापोज करने वाली बात होती है ना कि आप किसी लाइन के सामने बहुत बड़ी लाइन खींच दी। और माफी का जिक्र तो राहुल गांधी के लिए है ना, वही बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो बोल रहे थे, उद्धव ठाकरे चुप रहे, ये बात अलग है, और बोलने की बात तो राहुल गांधी के लिए ही थी जहां तक मुझे समझ में आया। तो वो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, क्योंकि जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं उसमें लग रहा है इस बार कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर बन के खड़ी होगी, और उस चीज को लेके शायद वो अभी से उसकी ये ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सावरकर के ऊपर माफी का जिक्र कर दिया। एक शब्द कह दूं, जैसा आपने कहा कांग्रेस, मेरा मानना है देखिए कांग्रेस नहीं, सावरकर को लेके पूरे इंडिया अलायंस पर, यानी अगर आप चुप, जो लोग चुप रहते हैं तो भी आप वो हैं, तो एक तरह से उन्होंने इंडिया अलायंस को एक के सामने ये पासा फेंका है कि कितना कामयाब होता है, अलग की बात, अलग बात है सर। पूर्णिमा जी ने कहा, इन दोनों की बातों से सहमत हूँ, और जिस तरह से आज महाराष्ट्र के अंदर महायुति में एक जो अंदरूनी झगड़े हैं, ख़ासतौर से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के जो झगड़े उभर के आए हैं, तो दरअसल जो एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किए, अब वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ये जो नॉन डेमोक्रेटिक रूट जो अपनाया था उसके ही सब रिपरकशंस हैं। वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में जो इंटर महाराष्ट्र की राजनीति को एक लड़ाई है, दोनों एक कद्दावर नेता अपने आप को समझते हैं, और भविष्य के अंदर सबकी जो महत्वाकांक्षा हम उसको भी जानते हैं। एकनाथ शिंदे अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक वो अजीत पवार को नहीं मार के चलेंगे, वो बीजेपी के अंदर ना तो अपना स्पेस बना पाएंगे और ना ही महाराष्ट्र में अपना स्पेस बना पाएंगे। तो ये एकनाथ शिंदे की स्ट्रेटेजी है कि उनको प्रोवोक करवाते हैं, और इसी तरह अजीत पवार भी चाहते हैं कि मेरा स्पेस बने, तो वो एकनाथ शिंदे को मार के चलना चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को मार के भारतीय जनता पार्टी के क्लोज आना चाहते हैं। अगर इन सब एक्सपेरिमेंट से हटकर बीजेपी ने अपने दम पर कोशिश ज़्यादा की होती तो वो ज़्यादा बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा था कि जो पूर्णिमा जी कह रही थी, माफ़ी जब आप दिल से मांगते हैं तो फिर आप दूसरे पर सवाल नहीं खड़ा करते, सिर्फ माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जब आपने माफ़ी मांगने के साथ साथ सामने वाले पे एक तीर भी फेंक दिया, तो इसका मतलब वो राजनीतिक कार्यवाही है, समझे? जब भी माफ़ी, मैं उदाहरण दे सकता हूँ,
कि माफी इस देश में पहले भी लोगों ने मांगी है, तमाम सारे अपने उसके लिए, मनमोहन सिंह ने माफ़ी मांगी है 1984 के लिए, मांगी अकाल तख्त में जा करके, इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगी है खुद मतलब इंदिरा गांधी ने और सोनिया गांधी ने, लेकिन उस वक्त फिर जब इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगी तो जयप्रकाश जी पर तंज नहीं किया या वो आंदोलनकारी। तो अगर आप माफ़ी के साथ साथ तंज भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक कार्यवाही भी है। इसीलिए मैंने कहा था कि चुनाव का जो दबाव होता है तो कई बार नेताओं को बहुत सारे काम करने के लिए विवश करता है, और महाराष्ट्र का चूंकि चुनाव जो है वो पूरी बीजेपी के लिए एनडीए के लिए सबसे बड़ा प्रतिष्ठात्मक चुनाव है हरियाणा, इसीलिए उसको अलग रखा गया है, वरना 2004 से जब से चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव साथ होते थे, उनकी घोषणाएं साथ होती थी, लेकिन इस बार अलग क्यों किया गया? कारण ये है कि महाराष्ट्र को उन्होंने उन्हें अपने घर को ठीक करना है और तमाम सारी योजनाएं जो घोषित हो रही हैं, किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी एनडीए महाराष्ट्र को दोबारा जीतना चाहता है, तो इसलिए उसमें माफी भी है, उसमें तमाम सारी चीजें हैं, तो चुनाव का दबाव तो लोकतंत्र पे होता ही होता है। ठीक है, विनोद जो बात कह रहे थे कि जो माफी मांगता है सिर्फ माफी के अलावा और कोई बात नहीं होती, बात सही है। शेर कहने के पहले एक बात बता दूं, आजकल मैं जब चैनल देखता हूं उसमें बहुत सारी पार्टियों के लोग होते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही निंदनीय घटना हुई है जैसे कलकत्ता का ही, तो उस पर सब कहते हैं हाँ जो हुआ बहुत ही खराब है, लेकिन बिना लेकिन के आजकल कोई बात ही नहीं हो रही है, चाहे जो भी पार्टी होगा, लेकिन हाथरस, लेकिन उधमपुर, लेकिन फलाना, तो ये है। एक शेर है जो कह रहे थे विनोद के समर्थन में कि एक थे उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई शराब नहीं पिएंगे या मतलब बिल्कुल नहीं, तो उस पर है कि गुजरे हैं मैं एक देश जो तौबा के बाद हम कुछ दूर आदतन भी कदम लड़खड़ाए हैं, आप समझ गए ना। तो ये राजनीति में है, कितनी भी कसम खा लीजिए लेकिन छूटती नहीं है दिल की लगी हुई, वो है ना कि लेकिन करके आएगा ही कुछ न कुछ। तो मान के चलिए कि मोदी जी भी राजनीति मतलब कोई देखिए जो जिसका डीएनए है वो रहेगा ही रहेगा, आप उसके असंपृक्त नहीं हो सकते हैं, और ये सब सभी करते हैं। एक नेता का डीएनए, नेता का ही डीएनए रहेगा, हर बात में राजनीति होगी। देखिए सबकी राय आपने सुनी, माफी से क्या संदेश निकल रहा है, माफी के मायने क्या है, माफी के बाद जो सवाल है उसके मायने क्या है, वो हमने जानने समझने की कोशिश की, और अभी रामकृपाल सर ने जो शेर सुनाया है वो इस पूरी बात को समझाने के लिए उन्होंने सुनाया है। शराब पीने के लिए प्रोत्साहित वो भी नहीं कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान आप रखिएगा, और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।